गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर करीम अंदी। वैसे से पहले क्या करते थे? मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था। एंड मैम, आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब करते थे आप। तो जो दोनों मिलके जो आप लोग काम करते थे, तो वहां से लगभग कितना का इनकम आता था आपका? फोर्टी टू फिफ्टी दोनों का मिला के इनकम हो जाता था। गवर्नमेंट जॉब, हॉस्पिटल जॉब, एंड एज यू नो नॉट मिस्टर करीमुद्दीन, डॉक्टर करीमुद्दीन। तो ऑब्वियसली दोनों का जो अच्छा एक लाइफस्टाइल, अच्छा एक जगह और गुवाहाटी के अंदर चल जाता है, 40-50 हज़ार से गुजारा हो जाता है। वेस्टेज ज्वाइन करने के बारे में क्यों सोचा? मेरे पास उस टाइम एक सुपरवाइजर था। अच्छा। और मेरा फ्रेंड्स का पास 4 लाख रहता था। अच्छा। करीब करीब था, तो मेरे पास ये कैपेसिटी नहीं था 4 लाख खरीदने के लिए। तो हमेशा मेरा ख्वाहिश था, सपना था, शायद मेरे पास एक 4 मिलियन था, मेरा बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल, बहुत उम्मीद था, लेकिन नहीं हो पा रहा। हम बहुत मेहनत किया हम दोनों मिल करके, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो जब इस चीज का कार बुक पे देखा, समझ में कुछ नहीं आया, सिर्फ कार देखा और अंदर से ये आया, मैं इसको करना है, मेरे को गाड़ी चाहिए और 1 लाख रुपये। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है ना कि किसी को मोटिवेट करना है ना, तो उसकी सॉफ्ट पॉइंट कहाँ है, उसको चाहिए क्या। वेस्टीज के अंदर हाउस फंड है, पैसा है, फॉरेन ट्रिप है, सब कुछ है। सर को चाहिए था गाड़ी, उन्होंने जैसे कार बुक देखा, उनको फीलिंग लगा कि मुझे इसमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन किया, शुरू किए, पहला मंथ का चेक कितना हुआ? 248 रुपीज। लो, 40 हज़ार की इनकम चल रहा था, 4 व्हीलर खरीदना है, वेस्टीज के अंदर सिद्धांत लिए, ज्वाइन किए, पहला मंथ का चेक था 200 रुपीज। और कौन सा साल था सर? 15 मार्च 2011। और उसके बाद काम करते हुए गए, और आज के डेट में आपकी हाईएस्ट चेक 12,77,000। और मैंने 15 मंथ काम करने में मैंने पास कर लिया बेरिटो, और उस गाड़ी को मैंने 1.5 लाख किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में घुमाया, और 5 साल का बाद मैंने लिया में पहली लाख इस कार को गिफ्ट ली गई। घर आज गुवाहाटी में शानदार 2.5 करोड़ का बंगला है, दुबई, इंडोनेशिया, बाली, तुर्की, रशिया। मैं जिंदगी में पहला ट्रिप, मैं जिंदगी में कभी हवाई जहाज में नहीं उतरा, मेरा पासपोर्ट था, लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार 2014 में मैंने रशिया गया था, जितना है इतना लोगों को बेस्ट में दिलाऊंगा। आज मैं 3 ब्रदर हम रियाजुद्दीन जैसे 3 लाख की काम कर रहा है, मेरा छोटा भाई और ये डायरेक्टर है, हम 3 भाई मिलकर बिजनेस कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है सर की शादी का टाइम। आखिरी सवाल आपसे, 12 लाख की पे आउट, मर्सिडीज पे आपका, लग्जरी कार, घर, इतने अच्छे जगह, पोजीशन, सब कुछ, उसके बाद भी आज वीएलसी में क्यों? मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगा, आज पूरा हिंदुस्तान खानदान है, बेकार है, बेरोजगार है, बेस्ट इज द राइट प्लेस फॉर मैं गरीब बच्चा, आज 12 लाख गुवाहाटी में आज इतना शानदार जीवन। मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, आज भी मेरे से आज भी आई एम हंगर, मेरा ड्रीम है 20 लाख। और करना है, मैं आज यहाँ एक टीचर है, नाम नहीं लूंगा, इससे बातचीत कर रहा था, 4 साल लगातार टीचिंग कर रहे, 24,000 सैलरी है, इमेजिन करके देखिए ना, वो जॉब छोड़ पा रहे ना, फैमिली सर्वाइव कर रहे ना, बिजनेस कर पा रहे हैं। मैंने उसकी चीज बताया, भाई तुम जॉब को रिजाइन दो और बिजनेस में 100% काम करना शुरू कर, बिजनेस खजाना है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने दिन रात मेहनत करके एक लेवल, 1 साल का अंदर 1 लाख इनकम पहुंचा, और लगातार बढ़ते जा रहा। आज भी मैं सीखता हूँ, आज यहाँ मैं मोटिवेटेड होकर जा रहा हूँ, लोगों का फेस देख करके, हर हिंदुस्तान का हर युवक को मैं बताना चाहूंगा, यू मस्ट बी जॉइन इन डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्री। हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद ने आवाज दिया था, to get the best of your age, you must be joined in network marketing. अपने हिंदुस्तान में वेस्टीज में देखा 65% लोग 35 years या 90% युवक है। आज ये आप सब लोगों को दिल से बताना चाहूंगा, आज आवाज भाई हिंदुस्तान में हर घर में
बेस्ट इसको चाहिए, हर घर में आग की आजादी दीजिए। थैंक यू। और आगे सफलता में इस सक्सेस में कंपनी के जो इवेंट है जो वीआईपी के उनकी थिंकिंग पॉइंट्स क्या है। मैं 15 वीआईपी लगातार अटेंड किया, 15 वीआईपी लगातार, और वीएलसी से मेरा ताकत आया। काफी वीएलसी कोशिश करता हूं, हर ट्रेनिंग मीटिंग में मेरा एनर्जी डबल हो जाता है। आज मैं यहां लिखा 20 लाख माय इनकम, और ये ब्लड सेल का अंदर में है, और ये होगा एकदम जरूर, 100% जरूर। सोचा तो होगा ही होगा। थैंक यू सो मच।